राम राम, हमें बुंदेली चूरी से नीरज और ईवेरा आज हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं, और स्टूडियो में ऐसे बैठे हैं कि हमें कही थी एक शख्सियत से कबू न कहूँ मुलाकात कराएं। तय नहीं है कि हफ्ता में महीना में 15 दिन में, लेकिन जब अच्छो आदमी मिले, अच्छो काम कर रहे हो, समाज के लाने कछु अपना योगदान दे रहे हो, ऐसे आदमी हम अपने पाठकगण और दर्शकगण के बीच में ले आते रहे। तो आज हमारे स्टूडियो में निवेदा करें, ये बहन जी ऐसा काम कर रही भैया कि आदमी सोच नहीं सका। आदमी जिंदा आदमी की सबको चिंता करत, लेकिन जे आदमी के जिंदा रखने की चिंता कर रही। ऑर्गन डोनेशन जो होते हैं ना, संग शरीर के जो अंग प्रत्यंग है, इनको दान की जो एक अलग है जगह को काम ये कर रही। इनको सैलून क्लिनिक सब कुछ है और विधिवत तरीके से काम कर रही। उम्र खुश आती, संसार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन जो इनने अपने काम धंधे के संग एक जो अभियान कैसे चला रहा, कैसे प्रेरणा मिली, जो हम बताबो चाह रहे इसे कैसे एक ताजा उदाहरण है। और ऐसा नहीं है कि हम उपत के जबरदस्ती आए, एक सामयिक घटनाक्रम बहुत जो भाव के छतरपुर के एक समाज सेवी है, संतोष अग्रवाल कांग्रेस नेता भी हैं, और उनने इनसे प्रेरित होकर इनकी जो 700 सौरभ वेलफेयर सोसाइटी है उसे प्रेरित होकर अपने शरीर के दान कर दो। दान एक नाना जी देशमुख थे, वही के पहले दधीची थे अगर बात करें तो, है ना। और आजकल जो अब लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड जैसे पिछड़ा जो क्षेत्र हैं इनमें एक चैलेंज है, चुनौती है जा चीज कि आदमी के लिए तैयार हो जाए। ऐसे आँख इनके लाने कहा दान करने से फर्क है, खान लगा के तकुआ को लग जाए, हम अंधे पैदा हो भी अगले जन्म में। जो तय नहीं है कि तुम्हें कुत्ता को बिल्लैया को काय को जन्म मिला, लेकिन आदमी कहा तो आँखें दान दे तो फूटी आँखें पैदा हो भी। ऐसी लोगों में है भ्रांतियाँ हैं, जागरूकता नहीं है, लेकिन उस चैलेंज को स्वीकार करके जो काम कर रहे हैं वो हमें लगो कि आज की युवा पीढ़ी अगर सकारात्मक दिशा में बढ़ रही तो जय समाज में आइडियल पर्सन ही बनते हैं। और ऐसे लोगों के हमारे जो पाठ है, हजारों लाखन दर्शक हैं जो हमारे, उन्हें एक बार जरूर उनसे परिचय करना चाहिए। सो निवेदा बिंदु आपको बहुत स्वागत है बुंदेली चुगली में। तो हम तो चाह रहे हैं हमें जितना हमें परिचय तो हमें दे दो, हम जो चाह रहे हैं पहले आप अपने बारे में बताओ और क्या करती हैं आप जो बताओ, और फिर जो आपने जो अभियान चलाओ है ई के पीछे उद्देश्य कहा तो आपके लघु काय ऐसो कि हमें जो करो चाहिए। मैं एक सलोन कम कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक चलाती हूँ, और उसमें सलोन के साथ साथ आपके थ्रेड लिफ्टिंग, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स वगैरह भी होते हैं। लेकिन इसके साथ अभी कुछ समय पहले से मैंने 700 सौरभ वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया है, और जिसमें हम अंगदान, उतक दान और देहदान की प्रक्रिया में एक लिंक की तरह काम करते हैं, जो एक डोनर और एक गवर्नमेंट की बॉडी जो है नोटो, उसके बीच में एक लिंक का काम करती है, जिससे कि अंगदान, नेत्रदान और देहदान में सुविधा हो सके और लोग आराम से इस बॉडी तक पहुंचने का काम कर पाएँ, वो कुछ लोगों की मदद कर सकें। क्या होता है कि अभी तक फिलहाल हम मरने के बाद में अंतिम संस्कार कर देते हैं, और देह जो है आपकी जल जाती है, वो किसी के काम नहीं आने वाली, वो उस राख आप जाके गंगा में बहा देने वाले हो। लेकिन अगर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति ब्रेन डेड है, या फिर बाय कार्डियक डेथ भी होती है, कार्डियक डेथ भी होती है, तो उसमें भी हम टिश्यू और बॉडी डोनेशन करते हैं। और ब्रेन डेथ जो होता है, ब्रेन डेथ में पर्टिकुलर हम ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। वो ऑर्गन्स ऐसे लोगों को काम में आते हैं जिनके ऑर्गन्स किसी गंभीर बीमारी की वजह से खराब हो चुके हैं, जैसे किसी का लिवर खराब है, किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, किसी की किडनी खराब हो चुकी है। तो जो व्यक्ति अगर ब्रेन डेड है तो उसके ऑर्गन्स हम निकाल कर और ऐसे व्यक्तियों को दे देते हैं जिनको इसकी नीड है, और इस तरीके से हम लोगों की जान बचा पाते हैं। बिंदु जो बताओ, जैसे तुम्हें ये कायजा और ही क्या हमें करने जो इतने डॉक्टर है, 30 सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी सब कछु है, तुम्हें के काय लगो कि हम अपने काम धंधो किनारे कर कोई काम में लग जाए, काय सो काय लगो। एक्चुअली कुछ लाइफ में इंसिडेंट्स आपके ऐसे हो जाते हैं कि आपको कहीं ना कहीं वो एक इंस्पिरेशन की तरह काम करते हैं। हाँ। तो मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अभी कुछ समय पहले मेरे जीवन साथी की डेथ हुई है, उनकी मृत्यु जो हुई है वो लिवर सिरोसिस से हुई है। वो
इस जब इस परिस्थिति से हम गुजर रहे थे, जब वो वेंटिलेटर पे थे, कोमा में थे, तो उस टाइम हमने भी कोशिश किया, क्योंकि लिवर डोनेशन ऐसा होता है, वो लाइव डोनेशन होता है, तो मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं भी दे सकती हूँ लिवर जिंदा होने की स्थिति में। तो हमने वो कोशिश की, सारे टेस्ट वगैरह हुए, बट मेरे लिवर का वॉल्यूम इतना नहीं था कि उनको जितनी नीड थी जिस वॉल्यूम की, वो वॉल्यूम मेरा नहीं था, तो डॉक्टर ने उस टाइम मना कर दिया। फिर डॉक्टर ने हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन छोड़ा था, कैडवरिक डोनर, ब्रेन डेड डोनर, है ना। अगर कोई ब्रेन डेड डोनर मिलता, लाइक जिसका दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो चुकी है ना, तो कुछ देर में उसके सारे अंग जो हैं वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, है ना। तो ऐसा कोई डोनर उन्होंने सजेस्ट किया कि कोई कैडवरिक डोनर अगर मिलता है तो फिर हम आपके हस्बैंड की, आपके लाइफ पार्टनर की जान बचा सकते हैं। लेकिन हमने वेट किया, काफ़ी किया, पर कोई कैडवरिक डोनर नहीं मिला। उसका रीजन सिर्फ इतना था कि यहाँ लोग अवेयर ही नहीं हैं उस चीज़ के लिए। तब हमें समझ में आया कि जो चीज़ें हमारे बस में हैं, तो अगर हम कोशिश करें तो जाने कितने लोगों की जान बचा सकते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में, देखा जाए तो हर कंट्री में, अगर दूसरी कंट्री को हम छोड़ भी दें तो अपनी कंट्री में देख लें, तो आप मान के चलिए पर ईयर 1.5 लाख से ऊपर एक्सीडेंटल डेथ होती है हमारे यहाँ, है ना। 1.5 लाख का अगर हम 5% भी निकालते हैं, तो 5% लोग ब्रेन डेथ हो जाते हैं, जी ब्रेन डेड हो जाते हैं, है ना। बट उनकी फैमिली उनके ऑर्गन्स नहीं डोनेट करती है, नहीं करती, जबकि वो ऑर्गन्स किसी के काम आ सकते हैं, जबकि वो व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। बिकॉज उसका ब्रेन में जो ऑक्सीजन है वो पहुंचना बंद हो जाती है, जिस कारण वो नहीं वापस आ सकता है। धीरे धीरे करके उसका हार्ट भी बंद हो जाएगा, है ना। तो उसको जब तक वेंटिलेटर पे रखे रहेंगे तब तक वो जिंदा रहेगा। लेकिन लोग ये चीजें समझते नहीं है, इस चीज के प्रति जागरूक नहीं है, इसीलिए वो डोनेशन करते नहीं है। अगर वो 5% भी डोनेशन करने लग जाए ना, तो हमारे यहाँ की ये बहुत बड़ी समस्या हल हो जाएगी। बिकॉज जाने कितने लोग हैं कि जो वेटिंग में हैं अभी भी नोटों की, कि जिनके जिनका हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिनका लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, जिनकी किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, इवन इंटेस्टाइन प्रॉपर काम नहीं कर रही है। जबकि आप यही रेशियो अगर अमेरिका या स्पेन में देखें तो ये 35% या 65% का रेशियो जाता है वहाँ पर, बिकॉज वहाँ लोग अवेयर हैं, हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। तो इस मुद्दे को उठाने के लिए मैंने सौरभ की डेथ के बाद में ये एक तरह से अपने आप से ही प्रॉमिस किया था कि मे भी हो सकता है मैं उसकी जान नहीं बचा पाई, मैं उसको दूसरी लाइफ नहीं दे पाई, लेकिन हो सकता है कि मेरे थोड़े से प्रयास से जाने कितने सौरभ की लाइफ बच सकती है। हाँ, बिल्कुल सही है ना। तो बस उसी कोशिश में हम इस सोसाइटी के थ्रू लगे हुए हैं। बिन्नू जो बताओ, देखो भोपाल दिल्ली सब जगह हो तो कछु भी चल जाए, आधी तरह पढ़ो लिखो रहा तो समझ ले चीजें, बुंदेलखंड तक कहाँ लगा समझा समझा तो है नहीं आदमी। तो जो बड़ी चुनौती है आपके सामने कि कैसे थे कि आदमी के तैयार करें, तो पहले तो यही बता दिया कि आपने करो का पहले आदि यही पूछने लगा, हमारा तो वहाँ के फरमा नहीं सही गुर्दा निकलवा रहा नहीं, तो हमने करो का। तो जो एक सवाल सबसे पहले है, तो ईगो जवाब रात का आपके पास। हाँ, मैंने भी अपने ऑर्गन और टिश्यू दोनों डोनेट किए हुए हैं। इवन मैंने बॉडी डोनेशन के लिए भी परमिशन दी हुई है कि बाय द वे मेरी कार्डियक डेथ होती है, ब्रेन डेथ क्योंकि बहुत कम लोगों की होती है, तो बाय द वे कार्डियक डेथ भी होती है, तो जितने टिश्यूज मेरे हो सकते हैं वो निकाल लिए जाएं, लाइक स्किन हुआ और आँखें हुई, बोन मैरो हुआ, बोन्स हुई, और लाइक आपकी हड्डियाँ जो कहते हैं, और हार्ट वाल्व, है ना, पूरा हार्ट नहीं, हार्ट के जो वाल्व होते हैं, ये सब कार्डियक डेथ में भी काम आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी निकाल ली जाएं, तो इसमें मेरी फैमिली की भी रजामंदी है। अच्छा, तो यही तो चाहने उतना जागरूकता
अब पहले सवाल का जवाब मैं लगा दूसरा। एक और हम क्या आदमी का है जो भ्रांति है, इतने को आदमी बड़ा धार्मिक है, भगवान के पास सब कुछ हो गया, उनसे कहो कि भाई अस्थियाँ दे दी थी उनने, सुबह कान लगा धाओ दधीचे ने दे दी थी अस्थियाँ, और उनसे कहा तुम दे दो अपने घर को कुर्ता सुखाता, हाँ भाषण बदल ले भी हम कुर्ता दे के देती है दान नहीं कर। ऐसे समय में कैसे आप जागो, कौन कौन से चैलेंज आपके सामने, चुनौती आ रही, समझाओ बड़ा वो है ना उठपटांग टाइप, कैसे समझाते हैं? देखिए लोगों को थोड़ा सा समझाना मुश्किल तो है, लेकिन पहले से हार मान लेना भी गलत होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोशिश तो हमें करनी होगी। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंपेंस स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए, मैराथन हुआ, अभी कोविड के कारण हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आगे हम आने वाले समय में लोगों को कहना चाहिए ऐसे भी जागरूक करेंगे, जैसे मैराथन हुआ, मैराथन दौड़ कराएंगे, और कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए, बच्चों के कॉम्पिटिशन्स हुए, बड़ों के कॉम्पिटिशन्स हुए, कुछ प्रोग्राम्स, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं लाइक के कोई बड़ा सा इवेंट्स रख के हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे। तो अब कितने दिन होगा अपनी सोसाइटी या काम करी वेलफेयर सोसाइटी, और इवन अगर सफलता मिली का कौन हुआ होगा ऐसा एक काम दानवीर के लिए, हमें को ले लो कवच कुंडल हमें के ले लो आओ ऐसा कुछ? जी अभी 1 जून से हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, 1 जून को? हाँ, 1 जून से हमने स्टार्ट किया था, और इसमें करीब 50 डोनेशंस हो चुके हैं, 50 डोनेशन नहीं कहना चाहिए, 50 प्लेज हो चुके हैं, जो 50 के हवाई चल, हाँ फॉर्म 7 जिन्होंने फिल किया हुआ है, वही है ना फॉर्म 7 जिन्होंने फिल किया हुआ है, और वो फॉर्म 7 फिल करने के लिए हमें एक चीज बड़ी अच्छी लगी यहाँ पे, कोविड की वजह से हम उतना अवेयरनेस प्रोग्राम्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन फिर भी जैसे हमने सोशल मीडिया में डालना शुरू किया, अच्छा है ना, लोग उससे भी अवेयर हुए और उन्होंने खुद फॉर्म भरना शुरू किया, काफ़ी लोगों ने कॉर्निया डोनेशन किया, काफ़ी लोगों ने कॉर्निया प्लेज किया, और काफ़ी बॉडी प्लेज भी आई हमारे पास, 3 से 4 बॉडी प्लेज हैं, है ना, जिन्होंने ये बोला हुआ है कि इसके हमारी डेथ के बाद में हमारी बॉडी जो है वो रिसर्च के लिए हम मेडिकल कॉलेज में दे सकते हैं, है ना, नाम है ऐसे लोगों के, ऐसे नाम आ जाए, एक तो आपने ही लिया है संतोष अग्रवाल जी, एक हरि अग्रवाल जी हैं, है ना, और एक मेरी मदर ही हैं, मेरी माँ जी हैं, तो उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, और एक और है, एक साहू हैं, साहू जी हैं, उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है, और बाकी लोगों ने कुछ ने ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भरा हुआ है, टिश्यू डोनेशन का, और कुछ ने सिर्फ नेत्रदान का फॉर्म भरा है। जो देखो जा चीज हो, देखो यही कान लगा ना कि अगर आदमी तरफ से जला दे जो वो होता है रोशनी की किरण, तो आज दौर पर हमारा जो कह रहे हैं, देखो इनको कौन स्वार्थ नहीं है, इनको जो बिगड़ने तो विधि के जो विधि के विधान में है तो वो इनको बिगड़ लो, और उसके बाद भी इनने अपने आप को संभाल के और संभाल के फिर सोची कि हम अब दूसरे के लाने करें, हमारे बिगड़ो हमारे जैसी तकलीफ कष्ट को के ना हो पाए, ई के लाने जो इनने एक मुहिम उठाई है, और जो इतनी बड़ी योजना है अभियान कह सकत कि ई में मानवता की सबसे बड़ी सेवा आदमी मान सका, पीड़ित मानवता की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है, आदमी का उपास कर लो तो शरीर स्वस्थ हो जाए, भगवान ना मिले ना मोक्ष मिले, पूजा कर लो तो शांति मिले, भगवान ना मिले ना मोक्ष मिले, लेकिन अगर साक्षात शरीर दान कर दे दधीच का ही अपनी हड्डियां उन्हें दे रही थी, तो देखो देवासु संग्राम में कब हो तो भद्र कवच कुंडल को दान होगा तो महाभारत ठिकाने लगे होते, देख लो कर्ण है तो कछु हो पाने, तो दान की हमेशा चीज रही हो कलयुग में, तो भैया पूजा पाठ चित्ते उपास इन सबसे बड़ी जो सेवा मानी गई है वह दान की मानी गई है, दान को परोपकार पुण्य मान लो, और हम तो यह कह रहे हैं बहुत जने आदमी सोचत नहीं है जीवन में किए कवे जाने कौन ठिकाने को कोई है नहीं है, और उसके बाद ही आदमी आसक्ति से अपने आप के भौतिकता से अपनी मायावी संसार से अपने आप को मुक्त नहीं कर पा, और जो एक चैलेंज है इनके सामने बिन्नू के सामने कि आदमी को पहले तो दिमाग होता है खोलने आए थे, बाद में उनको शरीर खोले तो बात बात की बात है कि पहले तो समझाने आए कि भैया धक्किया उसी विचारधारा से निकल के आ, और बहुत जने ऐसे हैं कि जिनने अपना लड़का जवान खोदा, कोई ने अपना आधो परिवार खोदा, कोई ने कच्चू मताई बाप खोदा, ऐसे लोगों के एहसास हुई कि जब अपनो चाहे तो अपनो परिजन अगर जाते परिवार से तो वो मरमान तक पीड़ा देते, इतना कष्ट होते आदि के जीवन में
कि उस समाज में लोगों को बहुत वक्त लगा। ऐसे आदमी इन बिन्नू की तकलीफ और दर्द समझ सका और उन ऐसे लोगों के निकल के सबसे पहले आगे आओ चाहिए, इनकी मुहिम से जुड़ो चाहिए, अपने शरीर के जो दे वो चाहे, नेत्रदान से लेकर ऑर्गन डोनेशन जो भी करो चाहे कर सका दे, वही अभियान जन अभियान बन जाए, मुहिम बन जाए, जब बुंदेलखंड की ताकत बने। कहाँ से बुंदेलखंड पूरे क्षेत्र चिकित्सा सुविधाओं में पिछड़े हो रही है, इतने आदमी यही मर जाए तो बोले ऑक्सीजन सिलेंडर ही नहीं है, क्या स्थिति है। वो बोले बॉडी को सीटी स्कैन नहीं हुआ, क्योंकि पहले जाने कहा कहा बोला इंजेक्शन ठोक के वो चित्त बोला बोले भाड़ में जाओ तुम तो नहीं जाओ ऊपर, क्या स्थिति है। छतरपुर की जो चिकित्सा सुविधा है इतने जो है केवल वो होता है रेफर सेंटर जिला अस्पताल तक वो बनो। ऐसे समय में ऐसे चैलेंज के आपने स्वीकार करो, आप बधाई भी पात्र हो और हौसला बढ़ाए रही हो, आप देखो समाज आपके हतोत्साहित करे जीवन में आगे पीछे रह जाए, समाज उल्टी सीधी बातें करें, साई बाबा आते तो उन्हें घर आओ, आज के बाबा से उन्हें घर आते ही है, राम के भगवान राम के को नहीं छोड़ो, सीता को ही छोड़ो, तो हम हो तो अपन माटी के पुत्र हैं, लेकिन उनके बाद विचलित नहीं हो रहे, तुम चलो तो चल पड़े अतीत की कहानियां, तुम चलो तो चल पड़े सिंधु की रवानियां, तुम चलो तो जिंदगी गीत नया गावटे और तुम चलो तो बिंदा चल पड़े हजारों नौजवानियां। जयराम जी की भैया, धन्यवाद। धन्यवाद।